नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों की ओर। यूक्रेन में फंसे 219 भारतीय आज पहुंचे स्वदेश, अकेले दिल्ली में 570 कर रहे इंतजार। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी, राशन बचाने और सफेद झंडा हाथ रखने की दी सलाह। क्वाड में मीटिंग में यूक्रेन रूस वॉर पर चर्चा, पीएम मोदी ने कहा डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते न पर ना आना हो। बातचीत और कूटनीति से समाप्त होगा मतभेद, हमने यूक्रेन को भेजा मानवीय हमला यूएनएचआरसी में बोला भारत। यूएन में रूस पर भारत के स्टैंड को फ्रांस का मिला समर्थन, कहा दुनिया में मायने रखती है भारत की आवाज। यूक्रेन से वापस आए छात्रों से मिले पीएम मोदी, कहा अब देश में ही मिलेंगे मेडिकल की बेहतर पढ़ाई का अवसर। सीटों पर 55.70% मतदान, अंबेडकर नगर रहा सबसे आगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद को बताया अर्जुन और योगी आदित्यनाथ को दुर्योधन, बोले घमंड करेंगे चकनाचूर। उत्तर प्रदेश में 2017 के मुकाबले 2022 के चुनाव में बढ़े दागदार प्रत्याशी, महिलाओं के साथ धनी उम्मीदवारों में भी इजाफा। सपा का दावा 6 चरणों में आंकड़ा तो तिहाई, बहुमत के पार समाजवादी गठबंधन की सरकार बनना तय। बोरिस जॉनसन ने जेलेंस्की से न्यूक्लियर प्लांट को लेकर चर्चा की, कहा यूएन की इमरजेंसी बैठक बुलाएंगे। तालिबानी लड़ाके हथियार के लिए काबुल में चला रहे तलाशी अभियान, डर के साए में स्थानीय लोग। चीन को थी रूसी हमले की जानकारी, बीजिंग ओलंपिक के समाप्त तक रूस को रुकने को कहा था। पाकिस्तान ने भारतीय पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को ट्रैक करने का किया दावा, भारत को दी पाकिस्तान जल क्षेत्र से दूर रहने की सलाह। पुतिन बोले यूक्रेन को सबक सिखाकर रहेंगे, जेलेंस्की का पलटवार बचाओ नहीं अब हम भी करेंगे हमला। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के नए युग की शुरुआत, लेकिन बतौर टेस्ट कप्तान हमेशा खास रहेंगे विराट कोहली। ये बल्ला हथियार है कोई खिलौना नहीं, रोहित की कप्तानी में कोहली खेलेंगे 100वां टेस्ट। आईपीएल के बाद 5 T20 मैच की सीरीज खेलने भारत आएगी दक्षिण अफ्रीका की टीम। चार बल्लेबाजों को आउट करके ही झूलन गोस्वामी के नाम होगा सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड। मैथ्यूज और कैंपबेल की अर्धशतकीय साझेदारी, वेस्टइंडीज 150 रन के पार। प्रभास की फिल्म राधे श्याम सिनेमा घरों में रचने जा रही है इतिहास, पहली बार मेटावर्स में आएंगे फिल्म का वर्जन। टाइगर श्रॉफ की पूरी गलबात पर लगा धुन चुराने का आरोप, म्यूजिक कंपनी पर भड़के के पॉप के फैंस। मॉस्क्यू केस में पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर पर सख्त हुई लाहौर की कोर्ट। अरमान मलिक अपने सिंगल यू के साथ ग्रैमी ग्लोबल स्पिन में आने वाले पहले भारतीय कलाकार बने।
शहनाज गिल ने शेयर की बचपन की बेहद प्यारी फोटो, क्यूटनेस पर दिल हार बैठे फैंस। छोटे 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।